नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 × √3 मीटर टावर के शीर्ष का इसके आधार से 200 मीटर दूर एक बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक टावर है जिसकी ऊंचाई दी गई है और बेस से एक पॉइंट की जो दूरी है वो भी दी गई है, तो ये दूरी कितनी है 200 मीटर, और ये जो टावर है इसकी ऊंचाई है 200 × √3, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से इसका जो उनियन कोण बनेगा मान लीजिए वो थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं नाम रख देता हूँ ए, बी और सी। ट्रायंगल एबीसी में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर यहीं से मैं, ये 90 डिग्री का कोण रहेगा, यहीं से मैं टेंजेंट थीटा निकालू, ठीक है ना, वो किसके इक्वल रहेगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है √3 × 200, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है 200, तो 200 से 200 कैंसिल। टेंजेंट थीटा √3 कब कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री, ठीक है ना। टेंजेंट 60 जब होता है तो उसकी वैल्यू √3 होती है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, वो क्या आ गई 60 डिग्री। ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।